वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ व्हाट कम्स आफ्टर पर कुछ वर्कशीट्स। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में व्हाट कम्स आफ्टर कॉन्सेप्ट आपको समझाया था फ्रेंड्स, कि आप बच्चों को कैसे समझाएं, अब उसी टॉपिक को लेकर हम आज वर्कशीट्स करेंगे कि आप घर पर बच्चों को व्हाट कम्स आफ्टर पर वर्कशीट कैसे ईजीली बना के प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब भी बच्चों को वर्कशीट करवाएं तो उन्हें सीक्वेंस काउंटिंग, मतलब सीरियल में काउंटिंग बच्चों को अच्छे से आनी चाहिए, तभी वो ये व्हाट कम्स आफ्टर कॉन्सेप्ट पर वर्कशीट इजीली कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अब आज का वीडियो। तो सबसे पहली वर्कशीट जो है हमारी, उसमें मैंने बनाया है एक छोटे से छोटे छोटे पिक्चर्स बना दी हैं और उस पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, मतलब नंबर्स लिखे हैं मैंने सिंपल 1 to 20 काउंटिंग्स के बीच में ही नंबर लिखे हैं फर्स्ट वर्कशीट में। और मैंने यहाँ पर जैसे ये लिखा है, यहाँ पर नंबर लिखा है मैंने 13। तो 13 के बाद व्हाट कम्स आफ्टर, मतलब व्हाट इज़ नेक्स्ट आफ्टर 13। तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं 13 के बाद कौन सा नंबर लिखना है। अगर इसमें बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज़ हो तो आप बच्चे से सीक्वेंस काउंटिंग पूछ सकते हैं, मतलब सीरियल में काउंटिंग। जैसे कि वो बच्चा स्टार्टिंग में बच्चे को दिक्कत आती है लिखने में, तो आप उससे पूछ सकते हैं 1 to 20 तक काउंटिंग सुनाइए, तो वो पूरा सुनाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर लिखा है 13 14, एक फ्लो में बोलेगा वो जब, तो यहाँ पर 13 के बाद वाला नंबर लिखना है यहाँ पर, तो क्या आएगा यहाँ पे 14, राइट फ्रेंड्स। उसी तरह से यहाँ पर ये क्या नंबर लिखा है, नंबर आप पूछिए बच्चे से तो बताएगा 6 6 का आफ्टर क्या आएगा 7। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब भी आप बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पर वर्कशीट करवाएं तो आफ्टर में जब भी ये डैश लगेगा राइट साइड में लगेगा, आप बच्चों को पहले से ही बता के रखें, जिससे कि उसको माइंड में थोड़ा सा क्लियर हो कि डैश कहाँ पर लगा है। यहाँ इस साइड लगा है राइट साइड में, तो मतलब हमें इस नंबर के लास्ट नेक्स्ट वाला नंबर लिखना है। 10 के बाद कौन सा नंबर आता है 11, 9 जैसे मैंने लिखा है, तो यहाँ पर बच्चा बताएगा 10, 5। जब कभी बच्चा रुक जाए बताते बताते तो उससे आप काउंटिंग पूछिए और फिर उसको याद आ जाएगा 5 के बाद कौन सा नंबर लिखना है 6। इस तरह से हमारी ये फर्स्ट वर्कशीट कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट वर्कशीट की फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने, इस वर्कशीट में मैंने ये यहाँ पर थोड़ी सी लीफ बना दी है और लीफ के ऊपर नंबर लिखे हैं, राइट द नंबर्स दैट कम्स आफ्टर, नंबर्स लिखने हैं आपने। तो यहाँ पर इसमें भी मैंने जो वर्कशीट में कुछ काउंटिंग लिखी हैं, जैसे यहाँ लिखा है नंबर 16, तो बच्चे को जब काउंटिंग आती होगी तो वो 16 तक पहले, अगर वो भूल भी जाता है तो वो काउंटिंग स्टार्टिंग से बोलेगा और उससे 16 के बाद यहाँ तुरंत वो 17 लिखेगा। इसी तरह से यहाँ लिखा है नंबर 28, तो 28 के बाद कौन सा नंबर आएगा 29। जब इस तरह के आप फ्रेंड्स वर्कशीट बनाते हैं, जैसे मैंने ये लीफ वाली वर्कशीट बनाई है, या कुछ और भी बना सकते हैं फ्लावर बना के, तो बच्चे पिक्चर को देखकर जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसी वर्कशीट बनाएंगे तो बच्चों को करने में बहुत मज़ा भी आएगा, और ये वर्कशीट कराने के बाद आप फ्रेंड्स कलर भी करा सकते हैं बच्चों को। तो 19 के बाद क्या आएगा 20, ये नंबर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 26, तो इसका आफ्टर नंबर क्या होगा 27। इसी तरह से 24, तो 24 का आफ्टर 25, 31 इसका आफ्टर 32, 35 का नेक्स्ट नंबर 36, इस तरह से 15 का आफ्टर 16। फ्रेंड्स, जब भी आप बच्चों को व्हाट्स कम आफ्टर ये वर्कशीट करवाएं तो थोड़ी थोड़ी काउंटिंग्स को लेकर करवाएं, जैसे कि 1 to 30 के बीच में, या 20 से 30 के बीच में, 30 to 50, इस तरह से थोड़ी थोड़ी वर्कशीट ऐसे बनाएं, तो बच्चों को जल्दी से वर्कशीट करनी भी आएंगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि आफ्टर का मतलब क्या है, मतलब नेक्स्ट नंबर लिखना है हमें किसी नंबर के बाद। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी थर्ड वर्कशीट की बारी आती है। ये वर्कशीट बहुत अच्छी बनाई है मैंने, इसमें क्या करना है, थोड़े से चेंजेस किए हैं इसमें मैंने।
इसमें क्या करा है मैंने, सर्कल द नंबर दैट कम्स आफ्टर द गिवन नंबर, मतलब जो ये यहाँ पर नंबर दिया हुआ है इसको देखते हुए बच्चे को इन तीन नंबर्स में से देखना है इस नंबर का आफ्टर नंबर कौन सा आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 10, तो 10 का आफ्टर कौन सा नंबर आएगा, 11, राइट। तो बच्चे से आप पूछिए 11 कहाँ लिखा है, वो बताएगा यहाँ पर, तो उसे वो सर्कल करेगा। अब ये 9 लिखा है, जैसे यहाँ पे 9 के बाद कौन सा नंबर आता है, 10, वेरी गुड, तो 10 को सर्कल करेगा बच्चा। इसी तरह से ये लिखा है 22, तो 22 का आफ्टर यहाँ पे बच्चा देखेगा। आप बच्चे से पूछिए कौन सा नंबर आएगा, 22 का नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 23, गुड। 7 का आफ्टर 8, इसी तरह से 15 लिखा है यहाँ पर, तो 15 के बाद बच्चे यहाँ पे तीन नंबर देखेगा और बताएगा 15 का नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 16, तो यहाँ सर्कल करेगा। ओके, तो इस तरह से हमारी ये थर्ड वर्कशीट भी फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई। अब बारी आती है हमारी फोर्थ वर्कशीट की और लास्ट वर्कशीट की आज की, जो बहुत ही सिंपल और अच्छी वर्कशीट बनाई है ये भी मैंने। इसमें मैंने कुछ डिज़ाइन ड्रॉ कर दिए हैं यहाँ पर और ये लिखा है मैंने यहाँ पे व्हाट कम्स आफ्टर 30 to 50, मतलब एक रेंज लिख दी है काउंटिंग की, 30 से 50 के बीच में मैंने यहाँ पर काउंटिंग लिखी है और इनमें बच्चों को नंबर लिखना है, नेक्स्ट नंबर मतलब आफ्टर नंबर, जो नंबर मैंने दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, जैसे यहाँ नंबर लिखा है, नंबर बताएगा बच्चा 45। अगर बच्चा भूलता है तो आप उसे दोबारा से सारी काउंटिंग बताइए, मतलब वो बोलेगा नंबर काउंटिंग बोलेगा, 1 से लेके 45 तक काउंटिंग बोलेगा, तो 45 का नेक्स्ट उसे फटाफट से याद आ रहेगा और वो लिखेगा यहाँ पे 46। इसी तरह से 32, 32 का नेक्स्ट क्या आएगा नंबर, 33, 36 इसका आफ्टर क्या आएगा, 37, 47, 47 का आफ्टर 48। यहाँ पर जितने भी हम नंबर लिख रहे हैं वो कहाँ लिख रहे हैं, हम राइट साइड में। बच्चों को हमेशा बताइए आप जहाँ भी डैश नंबर के बाद लगा होगा राइट साइड में डैश होगा, यानी कि हमें इसमें नंबर लिखना है आफ्टर। ये बच्चों को आप इजीली थोड़ा सा एक ट्रिक बता दीजिए कि आप बच्चा कभी कंफ्यूज भी हो जाए कि इसमें आफ्टर लिखना है या बिफोर लिखना है, तो नंबर के जस्ट राइट साइड में जो डैश लगा हो उसमें बच्चे को आफ्टर नंबर लिखना है, राइट फ्रेंड्स। 39, 39 के बाद नंबर कौन सा आता है, 40। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने ये आज व्हाट कम्स आफ्टर कॉन्सेप्ट पर कुछ वर्कशीट्स की जो बहुत ही इजी और सिंपल हैं। आप भी बच्चे को इस तरह से वीक में एक दो बार प्रैक्टिस में ज़रूर दीजिए, थोड़ी थोड़ी रेंज लेकर काउंटिंग्स की। फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी ये इजी वर्कशीट्स बना सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो एक मेरा लाइक ज़रूर दे देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम तब तक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।